हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ब्यूटी स्पा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेग वैक्स कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेग वैक्स करने के लिए हमें चाहिए वैक्स पट्टी, टेलकम पाउडर और आपका मनपसंद कोई भी वैक्स ले सकते हैं। तो यहाँ मैं व्हाइट चॉकलेट ले रही हूँ। और आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेग वैक्स कैसे करना है। यहाँ मैं वैक्स हीटर के अंदर वैक्स को गर्म कर रही हूँ। इसे हल्का गर्म कर ले, उसके बाद जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आप लेग वैक्स स्टार्ट करें। लेग वैक्स के लिए सबसे पहले ये कन्फर्म लें जिनके ऊपर आप कर रहे हैं, उनसे पूछ ले कि उन्होंने अपने पैरों के ऊपर कोई क्रीम या लोशन वगैरह कुछ तो नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो उसे पोंछ ले। उसके बाद उसके ऊपर टेलकम पाउडर को जिस तरफ से ग्रोथ है उस तरीके से इसके ऊपर टेलकम पाउडर को लगा लें। मैं इसके ऊपर वैक्स को हल्का गर्म करने के बाद इसके ऊपर लगा रही हूँ। जिस तरफ से इनका हेयर ग्रोथ है उस तरफ ही लगा रही हूँ। इस तरीके से आप लेग के ऊपर वैक्स को अप्लाई करें, पूरे एरिया में अप्लाई कर लें। ये मैं वैक्स पट्टी ले रही हूँ। जिस तरफ से चिकना वाला पार्ट है उसे मैं यूज़ करूँगी, उसे नीचे की ओर रखूँगी। जो रुकड़ा वाला पार्ट है उसे ऊपर रखूँगी। तो ये चिकना, इस हिस्से में चिकना वाला पार्ट है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरीके से चिपका लें और नीचे वाले हिस्से में क्लाइंट को या किसी और की हेल्प से इसे टाइटली स्किन को पकड़े ताकि अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से खींच लें। बहुत तेज़ी से आपको नहीं खींचना है, आराम से खींचना है। आप देख सकते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा हेयर था इस वैक्स पट्टी के ऊपर चिपक चुका है। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले हिस्से में भी कर लूँगी। ऐसे मैं इस हिस्से में चिपका रही हूँ और इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हूँ। पिन करेंगे तो आसानी से हेयर निकल जाएगा और पेनलेस भी रहेगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा। अब मैं इस तरफ पीछे वाले हिस्से में भी टेलकम पाउडर लगा रही हूँ और जिस तरफ हेयर ग्रोथ है उस तरफ मैं वैक्स लगाऊंगी और अपोजिट डायरेक्शन में खींच लूँगी। मैं पीछे वाले हिस्से में टेलकम पाउडर लगा रही हूँ, पैरों के पीछे वाले हिस्से में। और टेलकम पाउडर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं वैक्स लगाऊँगी, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में निकाल लूँगी एक्स्ट्रा हेयर को। इस तरीके से वैक्स को अप्लाई करें। ध्यान रखें कि पूरे में अच्छे से वैक्स लगना चाहिए। इस तरह से वैक्स पट्टी को चिपका लें और ऊपर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में खींच लें। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आसानी से सारा हेयर निकल रहा है। आप सावधानी से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और रैशेस भी नहीं होगा स्किन के ऊपर। अब मैं हाथ पैरों के निचले हिस्सा में टेलकम पाउडर लगा रही हूँ, इसके ऊपर वैक्स अप्लाई करूँगी, फिर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में सारा हेयर को निकाल लूँगी। इनके पैरों के ऊपर इस एरिया में हल्का फुल्का बाल है, बाकी पूरा एरिया क्लीन है। लेकिन मैं पूरे एरिया में वैक्स अप्लाई करूँगी ताकि डेड सेल वगैरह निकल जाए और पूरा जो पैर है एक जैसा दिखे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पूरे पैरों के ऊपर वैक्स और उंगलियों के ऊपर हल्के हल्के बाल का ग्रोथ है उसे मैं निकालूंगी वैक्स पट्टी के हेल्प से। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में खींच लें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। दोनों पैरों का आप फर्क देख सकते हैं। अब इसे मैं टॉवल से पोंछ लूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों पैरों में फ़र्क। एक बिल्कुल क्लीन लग रहा है, दूसरे में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सिंग कराने के बाद कितना खूबसूरत पैर दिखता है। आप भी वैक्सिंग करवाइए, महीने में एक बार ज़रूर करवाएं और ये सीखे भी कि किस तरीके से दूसरे के ऊपर किया जाता है।
अब मैं दूसरा जो पैर है उसे भी मैं कर लूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें मेरे वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।